जोधपुर के गुरु नानक बालिका कन्या इंटर कॉलेज के शिक्षकों को पिछले 6 माह से वेतन नहीं मिला। आखिर शिक्षिकाओं के सब्र का बांध टूट गया और भड़क गई। विद्यालय की शिक्षिकाओं और कर्मियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर डीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, मैनेजमेंट के विवाद के बाद मामला कोर्ट में चल रहा है, इस कारण वेतन देने में विलंब हो रहा है। शिक्षिकाओं ने डीएम को बताया कि उन्हें कॉलेज से पिछले दिसंबर माह 2023 से मई 2024 तक का वेतन नहीं मिला है, जिस कारण उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। इस संदर्भ में पूर्व में प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों से कई बार आग्रह किया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। एक बड़ी विषम परिस्थिति है। गुरु नानक इंटर कॉलेज में प्रबंध तंत्र का आपसी विवाद चल रहा है और उसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान है वहाँ के अध्यापिकाएँ और कर्मचारीगण हैं। 6 माह से वेतन न मिलना उनके लिए एक इतना कष्टपूर्ण समय से वो गुजर रहे हैं जो कहा नहीं जा सकता। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी सदस्यगण हैं, उन्होंने इस संबंध में हमारे से वार्ता की और इसी परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ आए कि कम से कम जिन्होंने 6 माह से काम किया है उन्हें वेतन मिलना चाहिए और ये उनका अधिकार भी है कि कार्य के बदले वेतन मिले। हाँ, शिक्षिकाओं की मांग जायज़ है और उनका वेतन दिसंबर माह से नहीं निकल पा रहा है, तो इसी को लेकर के जो आज उनकी समस्याएं हैं वेतन से संबंधित, वहाँ की शिक्षिकाएं हमारे ऑफिस में आई थी और चूंकि प्रकरण यहाँ का न्यायालय में चल रहा है, दो मैनेजमेंट आपस में इस विद्यालय के कोर्ट केस किए हुए हैं। अब कोर्ट के दिशा निर्देशन जो भी मिलेगा उसी के अनुरूप कार्रवाई की।